26 राफेल मरीन। तीन स्कॉर्पियन सबमरीन। फ्रांस से मिलेगी नौसेना को ताकत। दहशत में चीन और पाकिस्तान। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद अब फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और राफेल का नौसेना संस्करण राफेल मरीन, जिसे राफेल एम के नाम से भी जाना जाता है, जल्दी ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा शुरू होने से पहले रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट और 3 स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी थी। प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान चर्चा की गई थी, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली परिषद के समक्ष रखा गया था। इससे पहले जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे थे तो वो भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए थे। राफेल एम का सौदा। भारत और फ्रांस की डील के जरिए भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर राफेल मरीन विमान के साथ 4 ट्रेनर जेट भी मिलने वाले हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक विमान और पनडुब्बियों की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना उनकी कमी का सामना कर रही है और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और विक्रांत MiG-29 का संचालन कर रहे हैं और दोनों कैरियर्स पर राफेल एम की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन सौदों की कीमत करीब 90,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, लेकिन अंतिम लागत अनुबंध वार्ता पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। भारत फ्रेंच हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। 2015 में पीएम मोदी ने फ्रांस की यात्रा के दौरान 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए ऐतिहासिक सौदे की घोषणा की थी। इसकी कीमत करीब $4.24 अरब बताई जा रही है। कितना घातक है राफेल एम? राफेल एम की डिजाइन राफेल से थोड़ी अलग है। राफेल मरीन की साइज राफेल से छोटी है। इस विमान को विमानवाहक युद्धपोत के लिए खास तैयार किया गया है। युद्धपोत पर विमानों के लैंडिंग आसान बनाने के लिए राफेल मरीन के लैंडिंग गियर और एयरफ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। वहीं इस विमान की फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत हैं। राफेल की तुलना में राफेल मरीन का वजन थोड़ा अधिक है। इस विमान में पनडुब्बियों को खोजने और मार गिराने में एडवांस रडार लगाए गए हैं। इस विमान में एंटी शिप मिसाइल भी लगाए गए हैं, जो हवा से जमीन पर हमला कर सकते हैं। इस विमान में मिटियोर, स्कैल्स और हैमर जैसी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। राफेल एम Mach 2 स्पीड से लड़ाकू उड़ान भर सकता है। यह स्टील्थ से लैस है, इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। राफेल विमान हिमालय के ऊपर बेहद सर्द मौसम में भी उड़ सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। गौरतलब है कि यह विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 या चीन के पास मौजूद J-20 से बेहतर है। इस विमान का कॉम्बैक्ट रेडियस 3,700 किलोमीटर है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह अपनी उड़ान वाली जगह से इतनी दूर हमला करके वापस लौट सकता है। राफेल की तरह इस विमान में भी हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है। कितनी घातक है स्कॉर्पियन सबमरीन? और अब बात फ्रांस से मिलने वाली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। दुनिया के सबसे बेस्ट रडार सिस्टमों में से एक स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में रहता है। इसका इस्तेमाल खुफिया मिशन को अंजाम देने में किया जाता है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और पनडुब्बियों के रडार को चकमा देने में माहिर है। ये पानी के भीतर सुरंग बिछाने में सक्षम है। इनकी मदद से एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगाया जा सकता है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में 4 MTU-12V-396 SE-84 डीजल इंजन लगे हैं। ये पानी के भीतर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकता है, जबकि पानी के ऊपर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। पनडुब्बी की लंबाई 221 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 40 फीट है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी 50 दिनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम है। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 नाविकों को एक साथ ले जाने की क्षमता है। भारत के पास मौजूदा समय में इस क्लास की 6 पनडुब्बियां हैं और फ्रांस के साथ डील कंफर्म होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। राफेल एम और स्कॉर्पियन डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और रक्षा जगत की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।